लेंगे जो है मुमरा से है और उनका एक बकरा है हमारे पास आया है। तो कितने महीने से है और क्या दिक्कत हुई ये बकरे में आने के बाद में, तो डायरेक्ट उनसे ही बात। क्या बोलती है पब्लिक आज? फिर एक फीडबैक बोलो या रिव्यू बोलो कस्टमर का। हम सीधा डायरेक्ट मोहित भाई से लेंगे जो है मुमरा से है और उनका एक बकरा है हमारे पास आया है। तो कितने महीने से है और क्या दिक्कत हुई ये बकरे में आने के बाद में, तो डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, क्या हाल है? मोहित भाई, बकरे की हिस्ट्री जानना और एक रिव्यू लेना है आपसे और फीडबैक लेना है पपाइये के खेत के आगे। तो बकरा आया था अपने पास, क्या कंडीशन में था पहले? भाई कंडीशन तो बहुत खराब थी बकरे की, एकदम टीपीआर में था। हाँ। फिर खूर में भी प्रॉब्लम थी उसके, और भी बहुत सारी थी जिसकी वजह से उसको वो स्लाइन वगैरह भी चढ़ाना पड़ा। पहले तो मैं एकदम इतना खुश नहीं था बकरे को लेके, और उम्मीद भी छोड़ दिया था बकरे की, क्या नहीं मेरे को, और फिर नहीं लग रहा था पलाई में भी सही है। और मोहित भाई का ये पहला शोक है, पहले शोक का बकरा है। तो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि न्यू कमर्स जो आते हैं और उनके बकरे रहते हैं पलाई पे, तो उनका शोक खत्म नहीं है। तो वो चलते हैं और चलते हुए हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि बकरा बहुत लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ था बीमारी में। मोहित भाई, आपको हर चीज की अपडेट मिली है? ऑन टाइम मिली है भाई। मतलब बकरे बीमार हुआ था, हर चीज उसके बाद वो आया है बीमार और पीपीआर का है, फिर उसका ये आईवी चढ़ाते हुए, तो हर चीज की अपडेट हम लोगों ने दी आपको। तो पूरी स्टोरी बता दो, एक्चुअली जर्नी बताना है बकरे की अभी तक। और कितना महीने पहले बकरा आया था? ये दिसंबर के एंड में आया था, दिसंबर एंड, जनवरी ये फरवरी हो गया है, मार्च है, मतलब 2 महीना हो गया है। और आया था तब ये कुछ 25-26 केजी पे था, और अभी माशाल्लाह 33 पे। तो लेकिन इसकी जर्नी पूरी है, मतलब स्टार्टिंग में ये 2 महीने में आप कितने टेंशन में आ गए थे? मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि बचेगा करके, क्योंकि ऐसी हालत थी। और सब अपडेट वीडियो देखता था मैं इसकी, क्या बुखार का टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ता था तो उसकी भी अपडेट आती थी, तो सबसे मेरे को नहीं लगता था कि कुछ बचेगा करके। मैं तो ये भी बोला था भाई देखते नहीं तो सलाह मार देंगे करके। आपने बोले भी थे सलाह मारने का, लेकिन मैंने ये जवाब दिया था कि भाई हमारे पास सलाह नहीं है, हम लोग सलाह नहीं मारते, हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर है और हम लोग मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। और बकरे में हयाती है रहे, अल्लाह ताला उसको हयाती दे, बकरा फिट एंड फाइन हो जाए। आज सही में ये कंडीशन देखते हैं ना बकरे की, जो उसकी पहले कंडीशन थी, तुम्हारे पास वीडियो रहेगी तो मेरे को डाल देना जो मैंने डाला है, ताकि वो लोगों को पता चले कि हम लोग सच बात कर रहे हैं। आजकल क्या हुआ है मालूम क्या, लोग है ना सिर्फ है ना फेक बातें करते हैं, तो वो गेहूँ के साथ में गुण भी पीसा जाता तो हम लोग भी उसमें पीस जाते, तो हम लोगों को हकीकत बताना पड़ेगा क्या भाई पहले बकरा कैसा आया था और क्या पोजीशन पे था। तो अब वो ये वीडियो डालेंगे तो हम लोग अटैच करेंगे इसके साथ में बिफोर एंड आफ्टर करके, तो इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बकरा जो पहले स्टार्टिंग में जो था, मतलब उसकी हड्डियाँ पूरी दिखती थी, और एक्टिवनेस में, मतलब बकरा जब बीमार है तो एक्टिवनेस जीरो ही होगा, लाजिम है। और उसके बाद में जब अभी ये महीने की वीडियो आई है तो मोहित भाई का एक हंसता हुआ चेहरा आया, और मैंने हमेशा माजिन भाई जो आपके कजिन है उनको हमेशा मैंने मैसेज डाला भाई मेरे को मोहित भाई को है ना अपडेट देने के लिए डर लग रहा है क्योंकि नए शौकीन है और नए शौकीन का शौक खत्म नहीं हो जाए। तो इंशाल्लाह अपन मेहनत करेंगे, इसके ऊपर कर रहे थे और अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया, और इनकी नियत है बकरा आज हयात है क्योंकि नियत का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। तो बकरा आज हयात है और फिट एंड फाइन है। आज मोहित भाई भी आए, उनके वालिद साहब भी आए साथ में, और उनके वालिद साहब के दोस्त भी आए, तो देख के खुश हो गए। तो हमारे को इनके जो चेहरे की खुशी है वो हमारा दिल जीत लेती है फिर बाद में। तो मोहित भाई और कुछ बताना चाहोगे बकरे के बारे में, रियली जो फैक्ट है जो बताना है? ट्रांसफॉर्मेशन देखते ना,
वो वीडियो में भी देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कैसा था बकरा और अभी कैसा है। बहुत सेटिस्फाई हुआ मैं। इसके बाद में फिर बीच में भी कुछ बुखार आई थी एक दो टाइम, तो उसकी अपडेट मिली थी आप? हाँ मिली। और हम लोग जब डीवॉर्मिंग कर रहे हैं या कोई खुर कटिंग कर रहे हैं या जो भी है, उसकी अपडेट आ रही है या नहीं आ रही है आप बता दो। सब आ रही है भाई, जैसे अभी नहाने की भी वीडियो थी वो भी आया था, उसका क्या फर्स्ट टाइम बात हुआ उसको, हर चीज की वीडियो आई है बराबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर आपका फीडबैक या रिव्यू देने के लिए। बकरा मेरा है ना पपैये के खेत बर्बाद नहीं करते, इसलिए हम वीडियो क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पपैये के खेत लगे हुए हैं, झाड़ लगे हुए हैं माशाल्लाह, और उसके बीच में मकई की खेती है, तो ये खुद ही हम लोगों ने बीज उगा उगा बीज डाल के ये उगाए पपैये के झाड़। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर मोहित भाई। चलो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फमा बता बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया ये इसको बोलते हैं हम लोग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।